तो सिर्फ और सिर्फ समझना है, कुछ मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, इस फॉर्मूले को हमने वैसे समझ लिया है लेकिन फिर दोबारा समझेंगे। जैसे सबसे पहले हमें क्वेश्चन में अगर बोला जाए प्रॉफिट निकालने को या लॉस, अगर प्रॉफिट बोला जाए लॉस तो इसको निकाला कैसे जाएगा? सिंपल है, आप क्या करो, बुक वैल्यू में से माइनस कर देंगे हम सेल्स को। बोर्ड पे ध्यान देना, किसी का कोई आवाज नहीं आना चाहिए, बोर्ड पे ध्यान दो। बुक वैल्यू में से क्या माइनस कर देंगे? सेल्स को। फिर क्वेश्चन रेज होता है, सर हम प्रॉफिट एंड लॉस तो समझ गए कि बुक वैल्यू में से सेल्स को माइनस कर देंगे, लेकिन बुक वैल्यू क्या होगा? तो बुक वैल्यू होगा हमारा, बुक वैल्यू क्या होता है? बुक वैल्यू होता है आफ्टर डेप्रिसिएशन, यानी बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब सर परचेज माइनस में टोटल डेप, टोटल डेप्रिसिएशन। इसका मतलब हम बुक वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर हमें कॉस्ट और टोटल डेप मिल जाए तो। अब बात करते हैं प्रोविजन फॉर डेप का, और मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, आपके पास इसी दो फॉर्मूला यूज होगा, आपको माइंड लगाना है, ठीक है? सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर वन, अगर मैं आपको देता हूं मशीनरी, यानी मैंने दिया सपोज 1/4/2018 में मशीनरी का बैलेंस, बैलेंस मशीनरी का बैलेंस सपोज करो कि मैंने दिया यहां पे 1 लाख, 1 लाख का दिया, और अगर मैं यहां पे देता हूं आपको प्रोविजन फॉर, इसका दूसरा नाम क्या बताया था? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मान लो मैंने दिया 30,000, इसका मतलब जो ये वाला आपको 1 लाख गिवन है इसमें से डेप माइनस नहीं है। ऐसा क्यों सर, कैसे पता चला हमें इसमें से डेप माइनस नहीं है? क्योंकि अलग से आपको प्रोविजन फॉर डेप गिवन है। चलो एक एग्जाम्पल नंबर टू देता हूं आपको मैं, मान लो मैंने सेम एग्जाम्पल रखा 1/4/2018 मशीनरी बैलेंस, मशीनरी बैलेंस 1 लाख, और यहां पे हमारा सिर्फ मैं लिखने जा रहा हूं डेप्रिसिएशन, नॉट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लिखा मैंने 30,000। तो ये जो हमें बैलेंस गिवन है इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस है, यानी जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देता है क्वेश्चन में तो इसका मतलब अभी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है हमारा, और जब आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन देगा तो इसका मतलब उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है। तो अगर मैं आपसे इस वाले क्वेश्चन में पूछूं कि कॉस्ट प्राइस बताओ, तो बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस तो 1 लाख ही होगा। अगर मैं पूछूं कि आप इसके अंदर मुझे बुक वैल्यू बताओ, तो फॉर्मूले को ध्यान से देखो, क्या आप बता सकते हो कॉस्ट में से डेप माइनस करना? तो यानी 1 लाख में से आंसर दोगे 70,000। सेम क्वेश्चन मेरा यहां होता आता है कि आप कॉस्ट प्राइस बताओ, क्या ये कॉस्ट प्राइस है या डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है? डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है, तो कॉस्ट प्राइस तो वो प्राइस होता है जिस पे हमने खरीदा हो। तो अब अगर मुझे डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद दे रहा है तो क्या सर मैं इसे बुक वैल्यू बोल सकता हूं? बिल्कुल, अगर मुझे बुक वैल्यू पता हो और डेप पता हो, बुक वैल्यू पता हो और डेप पता हो, तो कॉस्ट निकाला जा सकता है। यानी यहां पे कॉस्ट प्राइस पूछोगे तो 1 लाख ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। समझ में आ रही है? डेप क्यों ऐड कर दिया मैंने? क्योंकि डेप को माइनस करने के बाद बुक वैल्यू बनता है, तो डेप को ऐड करने के बाद क्या बन जाएगा हमारा? कॉस्ट प्राइस, ठीक है?
यहां पे अगर पूछूं कि मुझे बुक वैल्यू बताओ, तो आंसर सर जो क्वेश्चन में 1 लाख गिवन है यही तो बुक वैल्यू है। समझ में आया क्वेश्चन आपको? यही हमारा क्या है, बुक वैल्यू। यानी इसका मतलब जब कभी भी क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन होगा कुछ इस तरीके से, तो जो आपको बैलेंस गिवन है ये बैलेंस आपका कॉस्ट प्राइस होगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन बोलेगा तो जो बैलेंस गिवन है वो क्या होगा? समझ में आया? यानी इस वाले के अंदर देखो दोनों बिल्कुल सेम एग्जांपल है, बस यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मैंने नहीं लिखा, लेकिन दोनों के अंदर आंसर क्या है हमारा, फर्क है। यहाँ पे जो 1 लाख है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है, और यहाँ पे 1 लाख में डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? रीजन सिर्फ ये है, वहां पे प्रोविजन फॉर डेप था और यहाँ पे डेप्रिसिएशन था। चलो एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं। यहाँ पे मैंने बोला आपको 1/4/2018 में बैलेंस मशीनरी, ₹80,000, और 1/4/2018 में बैलेंस मशीनरी 80,000 और बुक वैल्यू, या फिर हाँ चलो बुक वैल्यू बता देते हैं, 1/4/2018 में ही मैंने बताया बुक वैल्यू, 1/4/2018 में मैंने क्या दिया, बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू मैंने दिया सपोज करो 30,000। ठीक है, नाउ मैं जानना चाहता हूं कि मेरे मशीनरी पे टोटल डेप क्या है, क्या आप निकाल पाओगे? टोटल डेप पूछू तो कैसे निकालोगे, सोचो। 80 में से यही फॉर्मूला लग रहा है, एक तरीके से आगे पीछे करना है, तो मेरा आंसर आएगा सर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ₹50,000 डेप्रिसिएशन है। अगर मैं इस मशीनरी को सोल्ड कर देता हूं मान लो 30,000 या फिर ₹40,000 में, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? मैंने बेचा कितने का? 40 का। कंपैरिजन किससे करना है? डेप्रिसिएशन से क्यों करते हो? हमें किससे करना है? बुक वैल्यू से। तो हमारा देखो बुक वैल्यू से अगर देखा जाए तो बुक वैल्यू हमारा है 30, बेचा 40 का, तो 10,000 का क्या माना जाएगा? प्रॉफिट माना जाएगा। सेम इस वाले एग्जाम्पल के अंदर, यहां पे मैं बोल रहा हूं, मैं यहां पे अगर मैं सोल्ड कर दूं ₹70,000 का, तो बताओ यहां क्या होगा? लॉस कितने का? कंपेयर करेंगे बुक वैल्यू। समझ में आ रहा है? तो अभी तक हमने इसको यहां तक ये देखा, अब देखते हैं आगे, थोड़ा और कॉन्सेप्ट आगे लेके चलते हैं। मान लेते हैं 1/4/2018 में मेरे पास बैलेंस गिवन है ₹1 लाख का, और मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया 30,000। अब मेरा डेप्रिसिएशन रेट 10% है SLM, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए SLM किस पे लगता है, कॉस्ट पे लगता है। अगर मैं वही बोलूं कि मेरा डेप्रिसिएशन 10% है WDV, तो ये किस पे लगता है? बुक वैल्यू पे। ठीक है, अगर मैं इस वाले मेथड में सबसे पहले ये बताओ कि जो ये ₹1 लाख गिवन है क्या इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस है? नहीं है। तो अब ये जो है क्या इसी को मैं कॉस्ट प्राइस का नाम दे दूं? बोल सकते हैं इजीली इसको कॉस्ट प्राइस। अगर मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने को बोला जाए 10%, तो SLM के हिसाब से तो डेप्रिसिएशन क्या आएगा? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट इसमें? लेकिन WDV के हिसाब से क्या आएगा सोच के बताओ। पहले हम बुक वैल्यू निकालेंगे, यानी 1 लाख में से पहले माइनस करेंगे 30,000, इसके बाद लगेगा जो कि आता है हमारा। समझ में आया?
यानी WDV बोला जाए तो कैसे करना है, SLM बोला जाए तो कैसे करना है। यहां तक एग्जाम्पल आपको क्लियर है, ठीक है। अब मैं इससे आगे और लेके चलूंगा इस एग्जाम्पल को, थोड़ा और क्लियरिटी आ जाए WDV SLM। क्या आप इसको नोट करोगे या करने की जरूरत नहीं है? करोगे नोट? चलो करो। कितने देर में कर लोगे? 5 मिनट इनफ है? जल्दी जल्दी करके दिखाओ 5 मिनट में से नोट, फिर आगे लेके चलते हैं। जब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं इसको खत्म नहीं करूंगा। अब देखो, अब हम समझते हैं टाइमलाइन से। हाँ ये ले जाओ। कितने चेयर चाहिए? अब देखो हम इस क्वेश्चन को समझेंगे किससे? टाइमलाइन से। टाइमलाइन से क्या, इससे थोड़ा और क्लियरिटी आएगा। ऐसे तो 90% 80% स्टूडेंट को समझ में आ गया ऑल्दो, लेकिन फिर भी और समझेंगे। मान लो मैंने एक लाइन यहां पे ड्रॉ किया और इस लाइन के अंदर मान लो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। और एक और लाइन मैंने ड्रॉ किया यहां पे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं मशीनरी, ₹1 लाख का। मैं सिंपल एग्जांपल, 1 लाख की जगह चलो अब चेंज कर देते हैं, 40,000 ले लेते हैं। और यहां पे मैं बना रहा हूं ये जो लाइन है ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का है, ठीक है। ये लाइन मशीनरी का है और ये लाइन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। आप मुझे बताना फर्स्ट ईयर के अंदर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? अगर 10% रेट है तो 4,000। SLM की मैं बात करूंगा, फर्स्ट ईयर एंड होगा। अब ये यहां पे मशीनरी कितने का है? अब मैं इसे अगर सेकंड ईयर में ले जाऊं तो कितने का होगा? लेकिन जब सेकंड ईयर में डेप को ले जाऊंगा तो 4,000 ये वाला और प्लस इस साल का 4,000। अगर मैं इसे थर्ड ईयर में ले जाऊं तो अब भी मेरा, और इसको अगर मैं ले जाऊं तो 8,000 तो पुराने वाला, अगर मैं इसे फोर्थ ईयर में ले जाऊं स्टिल, और अगर मैं इसे आगे ले जाता हूं तो 12,000 और प्लस, समझ में है? अब चलो पांचवें साल भी ले जाए तो अभी भी स्टिल, और ये हमारा हो जाएगा, यानी इस एग्जाम्पल से भी क्लियर आपको समझ में आना चाहिए कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट में मशीनरी में से डेप माइनस नहीं होता। अब मैं मशीनरी इस रेट पे खरीदा था, अब मैं चलो इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब इसको भी इरेज कर देते हैं हम, कर दिया। अब मैं बताता हूं पांचवें साल में ये मशीनरी ओल्ड है या न्यू है। अब मैं क्या इसको बैलेंस बोल सकता हूं? अब मुझे बताना चौथे साल में इसका बैलेंस क्या होगा? 40 रहेगा। उससे पिछले साल में, यानी इसमें से डेप नहीं करना, लेकिन डेप का बैलेंस क्या इससे पिछले साल में सेम रहेगा? 16, चेंज हो जाएगा। तो जब प्रोविजन फॉर डेप का कॉन्सेप्ट आता है तो उस केस में मशीनरी का बैक डेट पे बैलेंस तो चेंज नहीं होता, उस पर क्या होता है हमारा डेप्रिसिएशन का बैलेंस हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है ना। चलो एक और इसी के साथ एग्जाम्पल लेते हैं। एक मशीनरी 40 का और प्रोविजन फॉर डेप कितना लगा हमारा? 4,000। कितने का मशीनरी है यहां पे? हमने इस साल में ना एक और मशीनरी खरीद लिया, मान लेते हैं कि मैंने ₹20,000 का एक मशीनरी खरीदा है स्टार्टिंग में ही 1 अप्रैल को ही, ठीक है ना। तो अब यहां से यहां तक मशीनरी जाएगा हमारा 40 का, लेकिन डेप्रिसिएशन जुड़ जाएगा। अब इस साल जाएगा तो मशीनरी 40 तो ये है और प्लस 60,000, और डेप्रिसिएशन भी क्या जाएगा 8,000 और प्लस 4,000 और प्लस ये आ जाएगा, ठीक है। अगले साल जब जाएगा तो कितना होगा, और ये डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा 14,000 और 4 प्लस में 2 6,000,
नेक्स्ट ईयर में लेके जाऊं स्टिल 60,000, और डेप्रिसिएशन अगेन मैं इसे इरेज कर देता हूं। अब मैं फिर से क्वेश्चन पूछूं कि भाई ये मशीनरी कितने है, ओल्ड है, ओल्ड है, लेकिन जब इस तरीके से आपको बैलेंस नजर आता है तो मैं मेजरमेंट कर सकता हूं कि ये एक मशीन है, दो मशीन है, दो का बैलेंस है ना आपके सामने। लेकिन अगर ये सारा सिचुएशन नहीं बताता और मैं बोलता कि पुरानी मशीनरी मेरे पास 60,000 है, तो उस टाइम आप सोचते एक का है दो का, ठीक है ना। यानी अब ये कितने मशीनरी का बैलेंस है और ये डेप्रिसिएशन दो का है, क्लियर हो रहा है। यानी जब कभी भी मशीनरी का बैलेंस हमें देता है तो वो एक का नहीं हो सकता, वो एक का भी हो सकता है, दो का भी हो सकता है, तीन का भी हो सकता है, चार का भी हो सकता है, उसके अंदर एन नंबर ऑफ मशीनरी क्या हो सकता है, एडिड हो सकता है, जिसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी नहीं है। जिसकी जानकारी कौन देगा हमें, एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर हमें देगा, जो कि मैं अभी आपसे अभी एक और एग्जाम्पल लूंगा फिर आपको बताना है। यहां तक समझ में आया? यानी इस एग्जाम्पल से यह समझ में आया कि जो भाई बैलेंस मशीनरी का है और प्रोविजन का है, तो ये प्रोविजन का जो बैलेंस है ये कितने मशीनरी का है, अगर ये जितने मशीनरी है उतने का ये होगा। ये आपको पता है कि भाई दो मशीनरी है तो बैलेंस भी कितने मशीनरी का होगा, दो। क्या हम इसे अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं? अगर डेट वगैरह पता है तो हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो मैंने 1/4/2018 में एक मशीनरी का बैलेंस दिया, सपोज करो। अब मुझे बताओ कितनी मशीनरी है ये, क्या आपको क्लियर पता चलेगा? इसका जवाब है सर हमें नहीं, हम नहीं बता सकते कितनी मशीनरी है, ये बैलेंस है। और मैं ये पूछूं कि ये कब खरीदा गया है, बताओ। अब बताओ कब खरीदा गया है? क्या मैंने यहां लिखा है मशीनरी परचेज लिखा है या बैलेंस लिखा है? बैलेंस तो पुराना होता है हमारा, तो क्या इस दिन खरीदा है या पहले कभी खरीदा होगा? क्या जो पहले कभी खरीदा है ये 2018 है, 17 है, 16 है, 15 है, 14 है, 13 है, 12 है? क्या मेजरमेंट कर सकते हैं, अंदाजा? नहीं कर सकते, वो क्वेश्चन में पता चलेगा हमें, ठीक है। यानी जब बैलेंस गिवन हो तो न्यू मशीनरी नहीं होगा, ओल्ड। अगर मैं बोलूं मशीनरी परचेज तो कह सकते हो। अब मैंने लिखा इसी डेट पे 1/4/2018 पे ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और सपोज करो मैंने दिया ये 30,000, क्लियर। अब मैं एक लाइन लिखने जा रहा हूं, ऑन 1/4/2018 वन मशीनरी सोल्ड, एक मशीनरी बेच दिया गया एट 5,000 विच वॉज परचेज ऑन 1/4/2015 ₹20,000। अब इस सेंटेंस का मीनिंग समझ में आएगा। मैंने बोला एक मशीनरी बेच दिया गया ₹5,000 का, जिसको खरीदा था 20,000 का। क्या अब इससे आप सहमत हो कि ये 80,000 में ही जुड़ा होगा, क्योंकि अभी बताया 80,000 कितने मशीनरी हमें नहीं पता है। मैंने बोला एक मशीनरी बेच दिया है जिसको खरीदा था मैंने इस डेट पे, तो वो किसमें जुड़ा होगा, क्योंकि ये 80,000 कितने मशीनरी है नहीं पता कितने मशीनरी हमें। अब हम इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस जानना है, ध्यान देना। ₹80,000 का मशीनरी है, मैं इसको दो तीन तरीके से करूंगा, इसको दो टुकड़ों में बांट दूंगा। एक टुकड़ा आ जाएगा 20,000, ये 20,000 क्या है हमारा और 80,000 क्या है, 80,000 क्या है सोचो, कॉस्ट है या बुक वैल्यू है? अगर मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग से दिखा रहा हूं तो क्या यह बुक वैल्यू होगा, सोचो, क्या इसमें से डेप माइनस है 80,000 में से, तो फिर बुक वैल्यू कैसे बोल रहे हो आप, क्या होगा, कॉस्ट। माइंड को कंसंट्रेट करो आप, यहां पे क्या होगा, ये कॉस्ट होगा, ठीक है ना।
तो मैंने ये 80,000 रुपये है, 80,000 कॉस्ट है और 20,000 भी कॉस्ट है, तो बाकी का बचा ये भी क्या होगा, और ये 36,000 रुपये डेप्रिसिएशन पूरे 80,000 रुपये है। 30,000 जो डेप है वो किस पे है, पूरे 80 पे, तो यानी 20 का कुछ इसमें जुड़ा हुआ होगा और 60 का कुछ इसमें जुड़ा होगा, जैसे कि मैंने वहां पे दिखाया था 60 और 26, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, क्या मैं इस मशीनरी का बैलेंस भले ही 1,4 को दे रखा है, तो क्या मैं इस मशीनरी के बैलेंस को मान सकता हूं 1,4 2015 को भी यही रहा होगा। टाइमलाइन याद करो, इस डेट पे बैलेंस था, अगर मैं बैक डेट पे आऊं तो आप बोलोगे सर चेंज तो होगा ही नहीं, वही रहेगा, ठीक है। तो क्या मैं इसको मान सकता हूं 1,4 2015 को 20,000 कॉस्ट ही है इसका, क्योंकि क्वेश्चन भी कह रहा है। अब हमें इस पे प्रॉफिट एंड लॉस तब निकाल सकते हैं जब बुक वैल्यू पता हो, और बुक वैल्यू कहाँ का पता करना है, 1,4 2018 का, 1,4 2018 का बुक वैल्यू पता करने के लिए हमें यहां से यहां तक का डेप चाहिए। अगर हम डेप माइनस कर दें तो बुक वैल्यू पता चल जाएगा, लेकिन जो 30,000 डेप है ये दोनों पे है, तो हमें ये नहीं पता कि कितना डेप इस पे है। तो हम एक काम कर सकते हैं, 31/3/2016 10% का रेट है, अगर हम 10% का रेट एसएलएम लेते हैं तो 2,000 बचा हमारा 18,000, ये डेट आया 1/4/2016। इसके बाद 31/3/2017 अगेन 2,000 बचा हमारा 16,000, ये डेट आया 1/4/17 और हमें निकाल लिया 31/3/2018, ये 2,000 अगेन 14,000। अब मुझे आप एक बात बताओ कि जो ये 14,000 रुपये लिखा है इसका डेट क्या होगा, 1/4/2018 बेचा किस दिन है, क्या और डेप लगाने की जरूरत है, नहीं। अब कितने का बेचा हमने, लॉस आ गया इजीली हमारे पास, कोई दिक्कत। तो क्या अगर मशीनरी का बैलेंस दे दे, प्रोविजन फॉर डेप दे दे और नीचे बोल दे कि कुछ पार्ट बेच दिया है, तो हम इस तरीके से दो पार्ट में करके कर सकते हैं। अब थोड़ी और समस्या हटा देता हूं आपके, बोलोगे सर ये 1/15 लेकिन डेट तो यहां पे क्या था, ये कुछ बच्चों को थोड़ा सा लगेगा कि ऐसा कैसे हो रहा है। मैं ये बाउंडेशन हटा देता हूं, ये लो इसको पार्ट को खत्म कर दिया, ये बैलेंस मेरा अभी भी कब का है, हम इसको इस तरीके से पार्ट नहीं करेंगे, जो पार्ट बिक रहा है उसको अलग कर दिया, बचा हुआ ये। अब क्या जो मशीन बिका है उसका टोटल डेप बता सकते हो, जो मशीन बिका है, बिल्कुल 1 2 3 यानी टोटल डेप 2 2,000 जोड़ के। अब क्वेश्चन जो मैं पूछने वाला हूं ध्यान से देना आंसर, बिल्कुल सिंपल सा है, इन दोनों पे टोटल डेप 30 है, अगर इस वाले पार्ट का हमें पता चल जाए 6 है तो इस वाले पार्ट का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब 24, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, क्या 31 मार्च 2019 में इस पे डेप लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नहीं है, लेकिन 31 मार्च 2019 इस पे लग सकता है, आप मुझे बता दो 31/3/2019 में डेप क्या होगा एसएलएम के हिसाब से, एसएलएम किस पे लगेगा सोचो, कॉस्ट, क्या कॉस्ट पता है इस वाली मशीन का कितना है, 60, तो सिंपल है ना भाई, 60 पे लगा देंगे हम, तो क्या आंसर आएगा, 10% रेट ही है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई WDV से बताओ, तो पहले हम बुक वैल्यू निकालेंगे, यानी 24,000 माइनस करेंगे जो आ जाएगा 36,000, और 36,000 पे फिर डेप्रिसिएशन लगेगा जो कि आ जाएगा 3600 रुपए। समझ में आ रहा है क्या ये पॉइंट, देखो यहां तक समझ में आया, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको दूं, आप कर सकते हो सिर्फ कैलकुलेशन, अभी सच सच बताओ किस किस को समझ में नहीं आया अभी तक, जिसको नहीं आया पूछ सकते हो, हाँ बताओ कहां से कौन सा पॉइंट डाउट में, मैं क्लियर करता जाऊंगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन के अंदर ये मशीनरी इसमें इंक्लूडेड है समझ में आ गया। अब इसके अंदर कौन सा मशीनरी बिक रहा है बताओ, कितने रुपए का, 20 का, तो 20 को अलग कर दिया, बाकी कितने बच गए 60, क्योंकि 80,000 दो मशीनरी, सारे मशीनरी है, 20 को अलग किया तो बचा कितना 60। अब आगे क्या समझ में नहीं आया बताओ इसके बाद, चलो इसे हटा देता हूं, अलग किया 60,000 समझ में आ रहा है। अब मुझे पता है कि ये दोनों मशीनरी पे, इस वाले मशीनरी पे भी और इस वाले मशीनरी पे, दोनों पे डेप जो है वो डेप दोनों के ऊपर है,
अब हमें ये पता है कि इस वाले पे कितना डेप है, 6, तो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं इस वाले का कितना होगा। समझ में आया? अगर एसएलएम से पूछूं तो कॉस्ट में निकालोगे, तो अगर मैं एसएलएम से पूछता हूं डेप्रिसिएशन तो बोलोगे सर 6000 बिकॉज ऑफ कॉस्ट इज 60,000 मल्टीप्लाई 10/100। बट अगर मैं WDV से पूछता हूं तो बोलोगे सर ये तो बुक वैल्यू चाहिए, और बुक वैल्यू निकलेगा 60,000 माइनस। कोई डाउट? मैं दोनों मेथड लेके चल रहा हूं, आपके बुक में WDV के क्वेश्चन नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं एडवांस पहले से लेके चल रहा हूं। जब क्वेश्चन करेंगे तो लगेगा ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो फटाफट हो जाना है, इसलिए सारा पहले कॉन्सेप्ट बेस बिल्डअप होना चाहिए आपका। बिल्कुल समझ में आया यहां तक? यहां तक कोई डाउट? बिल्कुल, 1 साल का है ये। और कोई डाउट? किसी को डाउट पूछ सकते हो? नहीं डाउट? आप अपने बुक का क्वेश्चन नंबर 14 करके दिखाओ, सिर्फ वर्किंग नोट, वहां पे लॉस बताना मुझे कितना आता है। अपने बुक का क्वेश्चन नंबर 14, हमारा अब जो आपने एक क्वेश्चन नंबर 14 है उसका वर्किंग नोट, एक मैं एग्जांपल वही वाला एग्जांपल लिख देता हूं और उसको मैं पोस्टिंग करना बताऊंगा, लेकिन उससे पहले फॉर्मेट अच्छे से समझ लेना, तो पोस्टिंग मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा। ये है मशीनरी अकाउंट, ये है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ध्यान देना बोर्ड पे, नोटिंग कुछ भी नहीं करना, अपने बोर्ड पे ध्यान देना। दिख रहा है यहां से आपको? नहीं तो यहाँ आके बैठ जाओ, ठीक है। अब सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं स्टार्टिंग डेट में, यानी 1/4/2016 की बात अगर मैं करूं, तो यहां पे अगर पुरानी मशीनरी है तो उसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा टू बैलेंस। कोई डाउट इसमें? और प्रोविजन का बैलेंस किधर आएगा? 1/4/2016 बाई साइड में आएगा, बाय बैलेंस। ध्यान से देखो आप, यहां भी बैलेंस बीडी, यहां बैलेंस बीडी। सबसे पहले क्वेश्चन रेज होता है सर इसका बैलेंस बीडी इधर, इसका इसका क्यों? क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी होता है क्रेडिट में, तो इसलिए इसका बैलेंस स्टार्ट क्रेडिट से। और मशीनरी है एसेट्स, एसेट्स का स्टार्ट होता है डेबिट में, तो इसलिए इधर से। ये पहले आपको रीजन क्लियर है, ठीक है। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, यहां पे जो बैलेंस बीडी होगा वो कितने मशीनरी का बैलेंस होगा? एन का, हमें पता ही नहीं है। जो डेप्रिसिएशन होगा वो कितने मशीनरी का होगा? जितने बीडी है उस सब का। क्लियर? अब देखो, कोई मशीनरी अगर मैंने खरीदा है तो इस साइड आ जाएगा, बेचा है तो इस साइड आएगा। अभी खरीदने और बेचने के, अभी बेचने की तो बात करेंगे, खरीदने की नहीं बात करते, ठीक है। अब सपोज करो मुझे 1/4 को मैंने एक, या डेप्रिसिएशन मुझे 1 साल का लगाना है तो कब लगेगा? 31/3/2017। और बाय डेप्रिसिएशन, ये जो डेप्रिसिएशन होगा ये करंट ईयर का होगा, करंट ईयर समझ रहे हो, इसी साल का। नई मशीनरी और पुरानी मशीनरी सबका डेप्रिसिएशन ये रहेगा। अब जो मशीनरी मैं बेचूंगा, ध्यान से सुनना इस वर्ड को, जो मशीनरी मैं बेचूंगा उसके डेप्रिसिएशन को यहां नहीं रखना, उसको निकाल के बाहर करना है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो मशीनरी मैं बेचूंगा उसका टोटल डेप्रिसिएशन निकाल के बाहर करना है। क्या अभी हमने वर्किंग नोट करके ये सीख लिया कि जो मशीनरी बेचा जाता है उसका टोटल डेप कैसे निकलता है? ये सीख लिया। मैंने बोला जो मशीनरी बेचूंगा उसका टोटल डेप निकाल के बाहर करूंगा, तो माइनस करूंगा इसका मतलब, तो मुझे टू साइड में लिखना चाहिए बाय में। इस अकाउंट को माइनस किधर से किया जाएगा? टू साइड, तो टू में लिखूंगा, यानी बाहर करूंगा, यहां लिखूंगा मैं टू, और इसको निकाल के बाहर करने का मतलब भेजना है मशीनरी में, मैं यहां एड्रेस लिखूंगा। ये एड्रेस है, एड्रेस का मतलब समझ रहे हो, कहां लेके जाना है, और ये है क्या? टोटल डेप। अभी आपने एग्जांपल किया उसके अंदर टोटल डेप क्या है? 60, वो 64 इधर लिखेंगे। करंट ईयर का डेप कितना आया? वो इधर लिखेंगे। समझ में आ रहा है? अब मशीनरी एड्रेस यहां पे लिखने का मतलब क्या? यहां चला गया, दिखाना तो पड़ेगा, यहां पे दिखाएंगे। अगर डेट 1/4 को ही काम किया है तो 1/4/2016 को ही दिखाएंगे, बोलेंगे बाय। कहां से आया है वो बताओ? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से आया है।
यही होगा ना। ये एड्रेस क्या बताता है कि लेके जाओ मुझे, कहां लेके जाओ, मशीनरी में। ये बोल रहा है मैं आ गया, कहां से आया हूं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से। एड्रेस है एक दूसरे का, यहां पे मैंने लिख दिया ये रहा। अब बेचा जाएगा तो बाय साइड में, क्योंकि मशीनरी कम होगा, बैंक से। आपके एग्जाम्पल में 8700 था ना, जो अभी आपको मैंने वर्किंग नोट करने के लिए दिया। और पी एंड एल से लॉस आ जाएगा, आपके एग्जाम्पल में 900 रुपए था। क्लियर, बस खत्म। खरीदने वाला नहीं कर रहे, अभी सिर्फ बेचने बेचने वाला सीख रहे हैं। एक साल का ही बनेगा, ज्यादा नहीं बनाना आपने। आपने हालांकि बहुत सारा डेप कैलकुलेट किया 6400 निकालने के लिए, लेकिन बनाना एक साल का ही है, वो सिर्फ कैलकुलेशन था। अब यहां पे क्या करेंगे, सिंपल तरीके से इसका टोटल आएगा, इसका टोटल जो भी टोटल ज्यादा आएगा बाय साइड में लिख देंगे, बाय बैलेंस सी डी। और एक हम फॉर्मेलिटी करते हैं, ये कब आएगा, एंड में, और ये इसका डेट तो क्या रहेगा, सेम। एक फॉर्मेलिटी क्या करते हैं, इसे टू बैलेंस बीडी कैरी फॉरवर्ड कर देंगे हम इसे। अब यहां पे भी टोटल कर लेंगे ऐसे, इसका ऑब्वियस है कि टोटल इधर का ज्यादा आएगा, और यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, और ये आ गया। और ये डेट कब होगा, एंड। और इधर क्या करेंगे, बाय बैलेंस, ठीक है। दोबारा फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी कोई ओल्ड मशीनरी है तो उसका प्रोविजन भी होगा, तो ओल्ड मशीनरी को हम किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस बीडी। उसके प्रोविजन को किस नाम से करेंगे, अगर मशीन पर डेप लग रहा है करंट ईयर में तो लगाते जाएंगे हम, लेकिन अगर कोई मशीनरी बिका उसका टोटल डेप आपको जानना पड़ेगा। क्यों जानना है, क्योंकि इस अकाउंट से क्या करेंगे, निकाल देंगे। और निकाल के कहां भेजना है, मशीनरी, और यहां लिख देंगे कितने का बेचा, क्या प्रॉफिट, क्या लॉस, किसमें रिकॉर्ड करेंगे, और वहां से हमारा काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट, ठीक है। चलो अभी एक इसी के ऊपर अभी नोटिंग मत करना, देखो आपके बुक में एक एग्जांपल था कि 1/4/2016 को आपके पास 80,000 का था, इसमें से जो पार्टीशन किया आपने, एक 16,000 रुपए का मशीनरी और बच गया 64,000। इस वाले पोर्शन को आपने खरीदा था 1/4/2012 को, और इसको आपने बेच दिया 8700। तो सबसे पहले आपने डेप लगाया 31/3/2013, क्योंकि मैं मान रहा हूं 1/4/2000, ठीक है। मैं ये लाइन हटा देता हूं, आप चलो इससे, ठीक है। तो डेप लग गया आपका 1600, आपने आंसर निकाला 14400। अब अगेन डेप लगेगा 31/3/14, अगेन 1600, आपने आंसर निकाला 12। अगेन डेप लगेगा 31/3/15, आपने आंसर